हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जो करंट होता है, करंट को आप टू टाइप्स में आप डिफाइन करते हैं कि एक आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसे आप एसी बोलते हैं, और दूसरा आपको पता है डायरेक्ट करंट जिसे आप डीसी बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। अब जो अल्टरनेटिंग करंट है, इस केस में आपको पता है कि जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो टाइम के साथ कैसा होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, चेंज विद टाइम। और इसकी जो पोलैरिटी होगी वो भी क्या होती जाएगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोलैरिटी होगी वो फिक्स नहीं होगी, वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, और ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसका यूज आप करते हो कि अगर करंट को बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर भी अगर ट्रांसमिट करना है तो वहां पर आप एसी का यूज कर सकते हो कि ट्रांसमिट करंट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉस ऑफ करंट। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो इंडिया में जो आप एसी जो हम यूज करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज कितनी होती है। तो ये हमारे पास साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग जो करंट की जो वैल्यू होती है वो है I = I0 sin of ओमेगा t। देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा है I = I0 sin of ओमेगा t। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बता दिया यहाँ पर ये जो आपने आई नॉट लिखा है, आई नॉट को आप बता देते हो कि ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, आई करंट की बात हम कर रहे हैं। आई नॉट इज मैक्सिमम और पीक वैल्यू, और इसी को आप क्या बोलोगे, और पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि अभी हम यहां पर करंट की बात कर रहे हैं। और जो एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, ठीक है, और यहां पर जो एंगुलर जो वेलोसिटी होती है करंट की उसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 2π/T। और यहां से आपने रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, तो 2π/ν। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी से ही आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप क्या करोगे, डिराइव करोगे, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2π/T एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज योर फ्रीक्वेंसी 2π/ν। क्योंकि जो इंडिया में ये जो हमारे घरों में जो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो कितनी है, उसकी वैल्यू है 50 हर्ट्ज इन इंडिया। इंडिया के केस में हम जो फ्रीक्वेंसी जो हमारे घर में आ रही है एसी की, उसकी वैल्यू कितनी है, 50 हर्ट्ज। और अगर यूएसए अदर कंट्रीज की बात करें तो वहां पर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है एसी की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, ये क्या करता रहता है, रिवर्स करेगा डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, और इसका जो पोलैरिटी होगी वो फिक्स नहीं होगी, वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे आप कि ये जो जैसे हम करंट की बात मैं कर रही हूँ, तो करंट में यहाँ पर देखो कोई पोलैरिटी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर देखो पोलैरिटी क्या है, आपने बताना है कि फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पोलैरिटी फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है। ये देखो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, आगे पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर ये करंट की, ये जो आई नॉट मैं बता रही हूं, ये पीक वैल्यू है करंट की, कि जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी करंट की। ठीक है, अगर आपको मैं से एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की मैं बात कर रही हूं, कि जैसे यहां पर जो करंट है, पहले यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे +2 एम्पियर +4 एम्पियर +6 एम्पियर +10 एम्पियर 12 एम्पियर, ठीक है, 14, 16, 20 एम्पियर अगर पॉजिटिव में जाएगा तो फिर नेगेटिव में भी आएगा,
नीचे ये ही पोलैरिटी क्या हो रही है नेगेटिव में, क्यों ये एक तरह से क्या है पोलैरिटी फिक्स नहीं है, पहले पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, यही आपने बताना है कि अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। पोलैरिटी इज नॉट फिक्स्ड बट इट इज चेंजिंग, और इसका यूज क्या करते हैं आप, कहाँ यूज करते हैं कि अगर करंट को अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करना हो तो विदाउट आप लॉस ऑफ करंट मोस्ट ऑफ द जो करंट है उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, चेंज इन पोलैरिटी आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया कि एसी की जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज है, और अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें यूएसए की तो उनको 60 हर्ट्ज सूटेबल लगती होगी, तो उन्होंने 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वैसे ही वहां पर उन्होंने इक्विपमेंट बनाए हैं कि जो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो भी इक्विपमेंट बनाए हैं वो 50 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को ही वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने बता देना है, और साथ में क्योंकि इसका मतलब यही है कि अगर हम 50 हर्ट्ज की बात कर रहे हैं ना कि जो क्वाइल है दिस इज रोटेटेड एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, पर सेकंड, पर सेकंड 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। तो आपने बता देना है कि इन एवरी रिवॉल्यूशन में वो इट चेंज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको डायरेक्ट करंट के बारे में बताऊं तो डायरेक्ट करंट में आपने बता देना है, ये तो एसी के बारे में हमने बता दिया कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज होता जाएगा करंट का, कभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि पोलैरिटी क्या रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, वो चेंज होती जाएगी, ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसी के केस में कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाएगी आपके पास, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने बता दी आपको 50 हर्ट्ज, और आपने बता देना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा टाइम के साथ, और ये जो पोलैरिटी है रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। पोलैरिटी इज नॉट फिक्स्ड बट इट चेंज, बट इट इज चेंजिंग, ठीक है। ये आपने टाइम की वैल्यू बताई है आई नॉट, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और यही आपने नीचे के लिए भी बताना है नेगेटिव के लिए भी। अगर मैं डीसी करंट की बात करूं, अगर डायरेक्ट करंट की बात करूं तो मैं यहीं पर ही बता रही हूं, यहीं पर आपने सीख लेना है कि डायरेक्ट करंट में आपने बताना है कि उस केस में जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा, इफ करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इफ करंट फ्लो, यहां पर मैं बताती हूं कि डायरेक्ट करंट, अगर आपने डायरेक्ट करंट के बारे में बताना है तो डायरेक्ट करंट आपको पता होना चाहिए कि इफ करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी होगी करंट की वो कैसे रहेंगी, फिक्स रहेगी। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मैं ऐसे आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे ये डायरेक्ट डायग्राम है, ये डायरेक्ट करंट की आप बात कर रहे हो, ठीक है, कि ये आपके पास टाइम है और ये करंट है, तो यहाँ पर जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इफ करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, कॉन्स्टेंट है मैग्नीट्यूड, और यहां पर चेंज हो रहा था, एसी के केस में मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहां पर बिल्कुल कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है करंट की।
अगर 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर ही करंट यहां पर आ रहा है। यहां पर अगर 2V है तो 4V है, 6, 8, 10, फिर माइनस में माइनस 2, 4, माइनस 6, माइनस 8, माइनस 10, फिर अगेन आगे ऐसे ही। यहां पर तो चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, लेकिन यहां के केस में क्या है, वो फिक्स है। अगर 10 एम्पियर करंट आप बता रहे हो कि तो वो कांस्टेंट रहेगा, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, पूरी वैल्यू उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। इफ करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी होगी करंट की वो फिक्स रहेगी। अगर ये ऐसे मैं बता सकती हूं, एक और ऐसे भी आप बता सकते हो, देखो डायरेक्शन तो एक ही है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वन डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में, कैसे भी आप बता सकते हो। अब ऐसे भी आप मैग्नीट्यूड यहां पर भी चेंज हो रहा है, यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ऐसे करके डायरेक्शन एक है, वन डायरेक्शन है लेकिन चेंजिंग मैग्नीट्यूड, वन डायरेक्शन एंड चेंजिंग मैग्नीट्यूड। तो आपने बता देना है कि ये जो डायरेक्ट करंट होता है कहां से आप लेंगे इसको, जो करंट आप यूज करते हो कहां से, सेल या बैटरी से, वो डायरेक्ट करंट होता है। सेल और बैटरी ठीक है, कहां से आप लेते हैं डायरेक्ट करंट, किसी सेल या बैटरी की हेल्प से आप अगर लेते हैं तो वो डायरेक्ट करंट ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो करंट जो फ्लो होता है वो सेम डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगी डायरेक्ट करंट की वो जीरो होती है, ठीक है। एसी में मैंने बता दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एसी इज 50 हर्ट्स। एसी की अगर फ्रीक्वेंसी की बात आप करते हो तो 50 हर्ट्स, लेकिन अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी की आप बात करते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज जीरो, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज जीरो, नो फ्रीक्वेंसी इन डायरेक्ट करंट। और आपको पता ही है कि जो करंट आप जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला ये कहां पर यूज करते हैं, आप टीवी में, टीवी का एग्जांपल ले सकते हो, बैटरी का एग्जांपल ले सकते हो, ये सारे एग्जांपल किसी के हैं, डायरेक्ट करंट के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। करंट इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जहां पर बिल्कुल कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो आप अपने घरों में इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। और इसी तरह ही ये आपको मैंने एसी में भी बता दिया कि एसी में आपने बता देना है कि जहां पर जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है विद टाइम, और डीसी के केस में जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ करंट इज फिक्स, ठीक है, पॉजिटिव भी बता सकते हैं आप करंट, मतलब डायरेक्ट करंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव ही होगा या तो फिर नेगेटिव भी होगा। तो पोलैरिटी कैसी हो सकती है इसकी, यहां पर करंट की पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव की कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर पॉजिटिव है तो देखो यहां पर ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आपने बताना है तो नेगेटिव भी आप बता सकते हो, तो वो आपने बता देना है कि अगर नेगेटिव होगा तो नीचे के केस में आपने बता देना है कि वो नेगेटिव पोलैरिटी वाला करंट है। उसी तरह ही अगर आपने ईएमएफ को बताना है तो ईएमएफ ऑफ एन एसी सोर्स इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और वैसे ही आपने बता देना है कि ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू है किसकी, ईएमएफ की, और एंगुलर वेलोसिटी आप बता देंगे, ठीक है। और एसी को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, एसी सोर्स को आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरह थोड़ा सा इसको आपने बता देना है, ये एसी सोर्स को आपने रिप्रेजेंट करना है इस तरह। तो आपको ये भी पता है कि अगर मैं इसी की बात, अब ईएमएफ की आप बात कर रहे हो तो आपको ये भी पता है कि जो हमारे घर में जो वोल्टेज आ रही है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो वोल्टेज जो आ रही है
उसकी वैल्यू कितनी होती है 220 वोल्ट, 220 to 230 वोल्टेज आप लेते हो। तो यहाँ पर ये जो ई नॉट है ये पीक वैल्यू है ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वोल्टेज की, वोल्टेज की वो इतना, जैसे हमारे घर में आने वाली जो वोल्टेज है, ठीक है, हाउस होल्ड जो वोल्टेज आ रही है वो है 220 से लेकर 230 वोल्टेज। लेकिन अब पीक वैल्यू, पीक वैल्यू की अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू जो वोल्टेज की आ रही है जो ई नॉट है उसकी वैल्यू आपकी 310 वोल्टेज तक होती है, जो पीक वैल्यू होती है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, कि कितनी मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है तो वो 310 तक आती है मैक्सिमम, मैक्सिमम इतनी यहां तक की पीक वैल्यू वो वोल्टेज की आ सकती है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि करंट किस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एसी और डीसी, आपको पता होना चाहिए। और ये देखो ये भी आपके पास एक मैंने बता दिया है कि एक स्क्वेयर फॉर्म होती है, स्क्वेयर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो आप ये डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स हैं, ऐसे भी आप बना सकते हो। ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी और ये नेगेटिव पोलैरिटी। ये स्क्वेयर फॉर्म में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ट्रायंगुलर फॉर्म में भी आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और ये मिक्स्ड फॉर्म है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसी होती है उसको आप क्या कर सकते हो, कुछ इसकी एडवांटेज है एसी की, जो आप ट्रांसमिट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एसी को, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मतलब लेस कॉस्टली है देन दैट ऑफ किसे, डायरेक्ट करंट से। और एसी को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो डीसी में भी। जब आप रेक्टिफायर के बारे में आगे स्टडी करेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि कैसे आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। और यहाँ पर अगर एसी में अगर आप कोई इलेक्ट्रिक जैसे चोक क्वाइल हम यूज करते हैं तो वहां पर जो एसी, जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो हमारी लॉस नहीं होती है, ठीक है। तो आप वहां पर एसी को क्या कर सकते हो, बेटर कंट्रोल कर सकते हो विदाउट एनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अगर हम वहां पर चोक क्वाइल का यूज करते हैं तो वहां पर जो एसी है उसको आप बेटर कंट्रोल कर सकते हो। और अगर डिस्टेंस प्लेसेस पर एसी को पहुंचाना हो तो उसमें भी आप ऐसे कर सकते हो विदाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, आप उसको पहुंचा भी सकते हो। तो वहां पर हम ट्रांसफार्मर के यूज करेंगे, तो ट्रांसफार्मर को भी हमने इसी चैप्टर में अभी आगे स्टडी करना है, ठीक है, कि कैसे आप हाई वोल्टेज कैन बी, उसको आप कैसे स्टेप डाउन करोगे और कैसे स्टेप अप करोगे। तो जब हम आगे ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो एसी जो मशीन्स होती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और उनको आप इजीली यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं एसी के, ठीक है। और क्योंकि अभी आपने आगे इसको आपने करेंगे हम कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कि क्या वैल्यू होगी मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने मीन वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की, मीन और एवरेज वैल्यू। तो स्टूडेंट्स देखेंगे पहले इसकी ये जो डेफिनेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। जब भी हमने मीन और एवरेज वैल्यू को निकालना है अल्टरनेटिंग करंट, एसी की जो मीन वैल्यू है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट होता है जो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। वो क्या करेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को सर्किट में से क्या करेगा, फ्लो करेगा कुछ इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल एज इज सेंट बाय एन अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द सेम सर्किट इन हाफ साइकिल। तो ये जो डेफिनेशन है इसको आपने अच्छे से, इसको प्रॉपर आपने इसको
पढ़ना है, क्योंकि डेफिनेशन को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपको लर्न करनी ही पड़ेगी कि मीन और एवरेज वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की। तो मैंने बता दिया ये दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, स्टडी करंट तो ऐसा करंट होता है जो कांस्टेंट कांस्टेंट करंट है, विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल। ठीक है, वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है सर्किट में से, ठीक है, इन सर्टेन टाइम इंटरवल, देखो एज इज सेंट बाय एन अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द सेम सर्किट इन हाफ साइकिल। तो इसको आपने करना है। तो अब आपको पता है एक्सप्रेशन जब हम करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है, लेट एन अल्टरनेटिंग करंट करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपको पता है, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की। तो यहां पर हमें पता है कि कितना चार्ज सेंट होगा अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा इन टाइम डीटी। ठीक है, द चार्ज सेंट बाय द अल्टरनेटिंग करंट I in time dt is given by। अब आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन टाइम इंटरवल, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर इन टाइम। तो अब कितना चार्ज, ठीक है, द चार्ज सेंट बाय अल्टरनेटिंग करंट इन टाइम dt इज गिवन बाय, तो यहां से चार्ज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये आई डी टी। अब करंट की वैल्यू हमारे पास ऊपर दी है कि करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और डी टी। तो ये देखो स्टूडेंट्स, हमें चार्ज की वैल्यू हमें पता लग गई आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। देयरफोर द चार्ज सेंट बाय एसी इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया था आपके पास कि ऐसे रहेगा आपके पास डायग्राम, इसका अल्टरनेटिंग करंट है तो मैग्नीट्यूड इज चेंज विद टाइम। देखो यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास क्या रहेगा, फर्स्ट हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये करंट की आप बात कर रहे हैं, दिस इज योर पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आपको पता है आई नॉट, दिस इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आई नॉट क्या है यहां पर, पीक वैल्यू ऑफ दिस करंट। तो अब हमने फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास टी वाई फोर आती है, तो ये है आपके पास फर्स्ट हाफ साइकिल टी वाई टू, और उसके बाद ये आपके पास टी कैपिटल टी, ये कंप्लीट साइकिल, तो ये टी वाई टू और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी थ्री टी वाई फोर, तो ये टी, तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल, क्योंकि हम हाफ साइकिल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एसी में अगर ये पॉजिटिव पोलैरिटी है तो ये नेगेटिव पोलैरिटी है, आप कंप्लीट साइकिल नहीं ले सकते हो, आपको पहले क्या करना है इसको हाफ साइकिल के लिए ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, आफ्टर हाफ टाइम ये पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहां पर हमने लेना है दैट इज टाइम की वैल्यू क्या ले लेंगे, जीरो से लेकर टी इज इक्वल टू हाफ टाइम टी वाई टू इज। तो ये इस वैल्यू को आपने यहां पर पुट करने के लिए, क्योंकि अगर हमने एवरेज वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है करंट की, तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी क्यू
इज इक्वल टू इंटीग्रेट वैल्यू लिख देंगे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और डी टी 0 to T/2 क्योंकि एवरेज वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है एसी की तो वहां पर हमने क्या करना है उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे जब आपने इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ डी क्यू इंटीग्रेशन क्यू आ जाएगा और जो कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको आई नॉट को बाहर ले लो 0 to T/2 और ये आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी और डी टी। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा क्या होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो ये आपको पता है। तो यहां पर मैं इंटीग्रेशन में लिख सकती हूं आई नॉट और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी और जो टी का कोफिशियंट है वो क्या है ओमेगा, तो 0 to T/2 क्योंकि आपको पता ही है जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी है जैसे साइन टू थीटा ठीक है, तो आपको पता है माइनस कॉस टू थीटा होगा लेकिन कॉफिशियंट जो थीटा का है टू वो नीचे भी आएगा। अगर आपने इंटीग्रेशन अभी तक आपने अच्छे से कर लिया होगा प्लस टू क्लास में तो आपको पता है कि जो कॉफिशियंट होता है उसको आप डिनोमिनेटर में आप डिवाइड कर लेते हो, तो 0 to T/2 ये ले लेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है यहां पर करने के बाद आपके पास चार्ज की वैल्यू Q की वैल्यू आपने लिख दी है, ये आपके पास आ गया है I naught और माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी और कॉफिशियंट आपने ओमेगा लिख दिया है और 0 to T/2 ये आपने किया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है इसको ओमेगा को भी हम बाहर ले लेते हैं, माइनस साइन को भी मैंने बाहर ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगा फिर आगे कॉस ऑफ ओमेगा टी 0 to T/2। अब आपको पता ही है मैंने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज हेयर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं ओमेगा 2π/T लिख सकते हैं ना आप यहां पर 2π/T ओमेगा की वैल्यू पता है तो आपने यहां पर पुट कर देनी है माइनस आई नॉट ओमेगा की जगह लिख देंगे आप 2π/T और कॉस यहां पर ओमेगा की जगह मैं लिख रही हूं 2π/T और साथ में स्मॉल टी और 0 to T/2 तो यहां पर माइनस आई नॉट टी अपॉन 2π तो कॉस ऑफ 2π/T तो अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट T/2 माइनस तो कॉस ऑफ 2π/T मल्टीप्लाई 0 तो यहां पर आपके पास माइनस आई नॉट टी अपॉन 2π तो यहां पर आप देख लेंगे कि 2 से 2 आप कैंसिल कर दो टी से टी आप कैंसिल कर दो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा कॉस पाई और माइनस कॉस ऑफ 0 कॉस 0 ठीक है तो ये आपके पास कॉस 0 आपको पता है 1 होता है और कॉस ऑफ पाई आपके पास माइनस 1 होता है और कॉस 0 की वैल्यू 1 तो ये आपको पता ही है। अगर ये 0 है तो ये आपके पास पाई है तो अगर ये 1 है तो ये माइनस 1 ही होता है तो ये आपको वैल्यू आपको पता है माइनस आई नॉट टी अपॉन 2π और यहां पर कॉस पाई माइनस 1 माइनस 1 तो ये माइनस आई नॉट टी अपॉन 2π और ये माइनस 2 तो ये यहां पर आपने माइनस आई नॉट टी अपॉन 2π माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 तो ये आपके पास वैल्यू आ गई आई नॉट टी अपॉन पाई तो ये चार्ज की वैल्यू आपके पास आ गई है क्यू इज इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन पाई तो ये देखो ये आपने चार्ज की वैल्यू आ गई है चार्ज सेंट बाय अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय तो अब आपको पता है कि जब हमें चार्ज की वैल्यू हमें पता लग गई है तो अब हम एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं एसी की तो आपने लिख देना है ठीक है
पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो टाइम मैंने बताया ना, ये है आपके पास, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आप ले रहे हैं यहां पर, क्योंकि जो एसी है इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम। अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है तो नेगेटिव, तो हमने यहां से लेकर यहां तक की बात की, मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया। तो जीरो से टाइम, ये टाइम था, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लिया है आपने यहां पर। तो आपको पता ही है कि अगर हमने एवरेज वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। लेकिन करंट का आपने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं ए और वी भी लिख रही हूं नीचे, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। चार्ज क्या है, क्यू है, लेकिन हाफ टाइम ऑफ पीरियड टी वाई टू। तो यहां से आपने चार्ज की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्यू की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ यहां से, क्यू इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इंटू टी वाई टू। तो ये आपको पता लग गया है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। लेकिन अब आपने टाइम पीरियड क्या लिया है, आपने सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हाफ साइकिल। तो ये आपके पास हाफ साइकिल है, तो टाइम टी वाई टू ले लेंगे, और फ्रॉम वन एंड टू अगर दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो आपने लिख देना है आई नॉट टी अपॉन पाई इज इक्वल टू आई ए वी इंटू टी वाई टू। तो टाइम से टाइम आपने कैंसिल कर दिया है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ गई वैल्यू, तो यहां से लिख देंगे टू आई नॉट अपॉन पाई, क्योंकि टू यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आई नॉट अपॉन पाई। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, इसको सॉल्व करने के बाद टू अपॉन पाई, पाई की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 22/7 या तो 3.14 लिख दो। इसको डिवाइड करने के बाद जो एवरेज वैल्यू आ रही है करंट की, वो है 0.637 आई नॉट, मतलब इतनी वैल्यू है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। या तो इसको 63.7% आप आई नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर अगर मैं पूरे कंप्लीट साइकिल की बात करूं, क्योंकि यहां तक कंप्लीट साइकिल हमारा बन जा रहा है, यहां पर हाफ है तो ये पूरा कंप्लीट बन रहा है। तो यहां पर जो एवरेज वैल्यू होगी एसी की, वो यहां पर 63.7 होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, प्लस 63.7 आई नॉट, ठीक है, और नेगेटिव में यही वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी 63.7 आई नॉट। जब नेगेटिव की बात आप करोगे, जब दोनों का सम आप निकालोगे, तो जो मीन वैल्यू होगी ऑफ एसी ओवर ए कंप्लीट साइकिल, पूरे कंप्लीट साइकिल की हम बात कर रहे हैं, फुल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगी वैल्यू। सिमिलरली आपने अल्टरनेटिंग ईएमएफ की भी अगर हम बात करें, तो वहां पर भी सेम यही प्रोसेस आएगा, ईएमएफ तो वहां पर भी एवरेज वैल्यू जीरो ही आएगी, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, वहां पर आप ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ले लेंगे, और जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू यही रहेगी 63.7 ई नॉट, आई नॉट की जगह ई नॉट लेंगे, और माइनस की जगह -63.7 ई नॉट, ये माइनस दोनों का प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा। तो जो मीन वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की पूरी कंप्लीट साइकिल में, वो कितनी होगी, जीरो होगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा इसमें, कि मीन और एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके।